21वां काव्य है आज, वृत्तिर्वाचा चार अक्षर, मपर सदृशी छह अक्षर, नत्वमन्नीन तुल्य सात अक्षर, चार छह सात, 17 अक्षर का छंद है। एक एक पंक्ति में 17 अक्षर होते हैं। स्तुत्युद्गाराः चार, कथमिव ततस् छः, त्वय्यमीनः क्रमन्ते सात, मैवं भूवंस स पर रुकना, तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास, नीचे वाले स तक, चार छः सात, ते भव्याना चार, मभिमत फलाः छः, पारिजाता भवन्ति सात, वृत्तिर्वाचा अच्छा मपर सदृशी नत्वमन्नीन तुल्यः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस्त्वय्यमीनः क्रमन्ते मैवं भूवंस, भूवंस सतत बोलना है, मैवं भूवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास, ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी अच्छा नत्वमन्नीन तुल्यः स्तुत्युद्गाराः कथमिव ततस्त्वय्यमीनः क्रमन्ते मैवं भूवंस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास् ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति। भगवंस, हे भगवन, हे प्रभु, ये अरहंत भगवान से कह रहे हैं, ये अरहंत भगवान वाचाम वृत्ति अपर सदृशी न, आपके वचनों की वृत्ति अर्थात परिणति, आपकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है वह अपर सदृशी न, अन्य लोगों के वचनों के समान नहीं है। आपकी वाणी दूसरों की वाणी जैसी नहीं है, और तम अन्येन तुल्य न, और आपकी तुलना किसी और से कर ही नहीं सकते क्योंकि आप अद्वितीय हैं। तब फिर प्रभु नह स्तुत्युद्गाराः त्वयि अमी स्तुत्युद्गारः, आपके प्रति तथा यानी फिर जब ये दो स्थितियां सामने हैं हमारे, कौन सी दो स्थितियां, कि आपके वचनों की परिणति, आपकी दिव्य ध्वनि दूसरों की वाणी के समान नहीं है एक, और दूसरी परिणति क्या, दूसरी स्थिति क्या है, कि आप दूसरों के समान नहीं है, ना आपकी वाणी दूसरों की वाणी के समान है और न ही आप दूसरों के समान है। ततः फिर न हमारे अमी स्तुत्युद्गारः, यह जो स्तुति के उद्गार है
अर्थात हम तो स्तुति करते जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। तो जब आप अतुल्य है, आपकी वाणी अतुल्य है, तो त्वयि आपके प्रति हमारे जो स्तुति के उद्गार हैं कथमिव क्रमन्ते, कैसे पहुंच सकते हैं, यानी हमारे शब्द आपकी महिमा को कैसे छू सकते हैं। हमारे शब्द छोटे पड़ जाते हैं आपके व्यक्तित्व के समक्ष, हमारे वचन बौने पड़ जाते हैं। आप इतने महान और हमारी छोटी छोटी बातें, हम अपनी बुद्धि से, हम अपने मतिश्रुत ज्ञान से जो हमने समझा है आपको, उसका मात्र गुणगान कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं, तो हमारे वचन आपको छू भी कैसे सकते हैं। अर्थात आप हमारे वचनों के अगोचर हैं, हमारे वचनों के विषय नहीं हैं। मैं एवं भुवंस, कोई बात नहीं, नहीं सही, तदपि फिर भी, हे भगवान, ते भक्ति पीयूष पुष्टा, हमारे जो वे वचन हैं वे भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट किए गए हैं। अर्थात हमारे वचन कोरे वचन नहीं है, भले ही ज्ञान की अपेक्षा से हमारा ज्ञान शून्य है, आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमारे वचन आपको नहीं छू सकते, लेकिन हमारे वचन हमारी भक्ति से तो भरे हुए हैं ना, उस पर तो किसी का प्रतिबंध नहीं है। भले ही वचन, हमारे ये वचन आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे ये वचन हमारी भक्ति से तो भरपूर है। ते वे वचन भव्यानाम अभिवत फला पारिजाता भवन्ति, भव्य जीवों के लिए अभीष्ट फल देने वाले पारिजात कल्प वृक्ष बन जाते हैं। अर्थात इसमें एक बड़ी सुंदर बात कही है कि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, कोई ऐसा भी होता है जिसको कविता करना नहीं आती, तो वो गद्य में भक्ति करता है। कोई ऐसा है जिसको थोड़ी सी जानकारी है अरहंत प्रभु की, तो उतनी ही जानकारी से वो भक्ति करता है। तो जैसे बने तैसे जो भी आपकी भक्ति करता है, आपकी स्तुति करता है, तो उसके वचन तो आपको छू नहीं सकते, उसके वचन में आप समा नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत छोटा है, आप अतुल्य हैं। और इसके लिए तो तुलना ढूंढनी पड़ेगी कि भाई इसकी तुलना किससे करें, कितना छोटा है ये। तो भक्ति तभी प्रवाहित होती है जब भगवान आकाश के समान विशाल लगे और भक्त को वह स्वयं अणु के समान छोटा लगे। मैं अणु के बराबर और प्रभु आकाश के समान, तब भक्ति होती है, समकक्ष की भक्ति नहीं होती। इसीलिए हमने पूर्व में कहा था कि आप ऐसी पूजा करो जिस पूजा में भक्ति का अमृत रस छलके। ऐसी पूजा किस काम की जो अभी आधुनिक युग में चलने लगी है और जिसमें भक्त अपने आप को भगवान के समकक्ष प्रदर्शित करता है बार बार। वो ऐसी वचनावली का प्रयोग करता है उस पूजा में कि जिस वचनावली में ऐसा नहीं लगता कि वो कोई भक्त है, ऐसा लगता है कि वो स्वयं भगवान है। नमुना उज्जवल हूं कुंद धवल हूं प्रभु, परसे न लगा हूं किंचित भी। ये तो सारे प्रभु के गुण हैं। और ये कौन बोल रहा है? पूजा करने वाला, पूजक, जबकि ये पूज्य के विशेषण है। पूज्य उज्जवल हो
कुंद धवल हो प्रभु पर से न लगे हो किंचित भी। यहां ये बात जमती थी हो, पर वो हूं हो गया, मात्रा बिगड़ गई है थोड़ी सी। और मात्रा बिगड़ जाने के कारण वो भगवान के समकक्ष हो गया। तो एक दिन हमने कहा था कि अगर चतुर्थ काल में कोई किसी अतिशय क्षेत्र या अतिशयकारी जिनालय में जाकर ऐसी पंक्ति बोले तो वहां तत्काल उस मंदिर के जो क्षेत्रपाल आदि देव हैं वो आकाशवाणी करेंगे, उधर मत खड़े हो, वेदी पर बैठ। अगर तू उज्जवल कुंद धवल पर से किंचित भी नहीं लगा है तो वहां क्यों खड़ा है नीचे? जो वैसे होते हैं वो यहां विराजमान होते हैं, तू नीचे खड़ा है तो नाटक क्यों करता है? नीचे खड़ा है तो वहां की भाषा बोल, ऊपर वाले विशेषण अपने पर मत लगा। भक्ति निश्चय नय से नहीं होगी तेरी, पूजा तो निश्चय नय से नहीं कर सकता, इसलिए निश्चय नय को बिना प्रसंग के जहां कहीं भी जोड़ने की कुचेष्टा मत कर। भगवान की भक्ति करने आया है, भगवान की आराधना करने आया है तो भक्त बनकर के कर, भगवान बनकर भगवान की आराधना नहीं होती। और भटक जाएगा संसार में, भगवान के सामने खुद को भगवान बनाएगा तो संसार में भटक जाएगा। भगवान के सामने भक्त बन, ज्यादा अभिमान अच्छा नहीं है। दो पंक्तियां पढ़ ली निश्चय नहीं की और अपने आप को भगवान के सामने भी भगवान बताने लग गए, लज्जास्पद है। भगवान के सामने अपने आप को छोटा बताइए, लघु बनिए, उनको प्रभु रहने दीजिए। और अगर ईमानदारी से निश्चय नय प्रिय है और ईमानदारी से अपने भगवत स्वरूप से आपको लगाव है तो ध्यान करो। ध्यान करते नहीं हो और भक्ति में अध्यात्म का प्रवेश कराते हो, ये कहां की रीत है? ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने भक्ति में अध्यात्म का प्रवेश किया हो? कदापि नहीं, कोई नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति बहिर्मुखी होती है, अध्यात्म अंतर्मुखी होता है। बहिर्मुखी चेष्टा में अध्यात्म की प्रवृत्ति करना चाहते हो, कैसी विपरीत रीत है? कहां से ये शिक्षा प्राप्त हुई? भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, किसको सुना रहा है? वो त्रिलोकी नाथ अनंत शक्तिमान परमेश्वर है, उनके सामने ये शब्द बोलते हुए लज्जा नहीं आती? किस मुंह से बोलता है? अभी एक उपवास करेगा तो चलते नहीं बनेगा। और भव आताप मिटावन की निज में ही समता क्षमता है, अपनी क्षमता सुना रहा है भगवान को। नाटक बंद कर, असली दुनिया में आकर देख कितने बड़े अनर्थ हो रहे हैं तेरे इस विपरीत क्रम से। अनर्थ किसी और का नहीं, तेरा स्वयं और तेरे समूह का, जो तेरे समर्थक है उनका। निषेध किसी का नहीं है, देखो व्यवहार नय का भी निषेध नहीं है, निश्चय नय का भी निषेध, निषेध हो ही नहीं सकता, भगवान के द्वारा प्रणीत है। लेकिन प्रयोग का स्थान देखो, कहां किसका प्रयोग करना, इसका विवेक रखो। अगर विवेक नहीं है तो फिर काय का सम्यक ज्ञान है? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये किसको बता रहे हो आप? ये पूजा का समय है और कहां जड़ चेतन को लेकर बैठ गए? पूजा के समय भगवान का गुणगान करो, ये जड़ चेतन की बात मत सुनाओ उनको, वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आप तो कुछ जानते ही नहीं हो, जानते होते तो ऐसा बोलते नहीं उनके सामने। ये भगवान की विनय नहीं है, घोर अविनय है। इस बात को समझना जरूरी है कि भगवान के सामने उनके 46 गुणों से बाहर मत जाओ, सिर्फ उनके 46 गुणों का गुणगान करो, तभी वो पूजा होगी। आप चतुराई करोगे
तो वो पूजा सूजा बन जाएगी आपके लिए। सूजा जो बड़ा सुई सुई वाला जैसा रहता है ना, जो औजार होता है, वो फिर चुभेंगे कालांतर में कर्म बन करके। अगर आप सब कुछ हैं तो यहां आए ही क्यों? यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी? जब सब कुछ हो, आप में ही सब समता क्षमता है, आप ही उज्जवल हो, कुंद धवल हो, पर से किंचित भी नहीं लगे, तो यहां आए ही क्यों? तो ये नाटक बंद होना आवश्यक है। आप 46 गुण का एक अच्छे से ध्यान कर लो और उनके माध्यम से भगवान की भक्ति करो। ये बाकी सारी चतुराई कोई काम नहीं आने वाली। मरण के समय पछताओगे कि अरे हमने क्या अनर्थ कर डाला, ये जीवन बेकार चला गया, हमने भगवान की अभिनय की। अगर विवेक आया तो, वरना उस समय भी अकड़ के चले जाओगे। और अकड़ के जाते हैं तो क्या दुर्दशा होती है, मरते समय बहुत बुरी हालत होती है अकड़ने वालों को। जब तक अकड़ नहीं जाती तब तक आत्मा पकड़ में नहीं आती। कल ही पंच संग्रह ग्रंथ के स्वाध्याय में एक गाथा निकली थी जिसमें लिखा था कि 20 प्ररूपणाओं से आत्मा को जानने वाला ही आत्मा को जानता है, क्योंकि वही 20 प्ररूपणाएं व्यवहार नये में है। तो व्यवहार नये से अच्छी तरह आत्मा को जान लिया, अब निश्चय नये से वो आत्मा को जानेगा तो सही ज्ञान होगा। व्यवहार को जाने बिना निश्चय से आत्मा को जानने वाला आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि निश्चय जिसका निषेध कर रहा है उसके बारे में पता ही नहीं है उसको। बड़ का फल नहीं खाना चाहिए, पीपल का फल नहीं खाना चाहिए, उमर कठउमर नहीं खाने चाहिए, पाकर नहीं खाने चाहिए। आपको पता है ना ये कौन से फल होते हैं? पाकर पता नहीं? अंजीर तो कठउमर है, बड़ पीपल उमर कठउमर, उमर को गुलर भी बोलते हैं। पाकर एक फल होता है, उत्तर प्रदेश में बहुत वृक्ष हैं उसके, और हो सकता है ये जो पीछे एक बड़ा वृक्ष है, हो सकता है वो पाकर का वृक्ष हो। पाकर के पत्ते छोटे होते हैं, बड़ से भी छोटे होते हैं, पीपल से भी छोटे होते हैं। और पाकर का वृक्ष अगर आपको देखना हो तो आप कभी अहिच्छत्र गए? अहिच्छत्र वहां पर एक कुआ है, उस कुएं में अलग अलग 4-6 झीरे हैं, यानी नीचे से जो जल के स्रोत हैं वो अधिक है उसमें। इधर से अलग पानी आता है, इधर से अलग आता है, इधर से अलग आता है। तो अगर इधर से पानी निकालो तो अलग लगता है स्वाद उसका, उधर से निकालो तो अलग लगता है। ऐसा कुआ है, उस कुएं के बाजू में जो वृक्ष है वो पाकर का वृक्ष है। अच्छा, पर वहां तो कदम कदम पर पाकर के वृक्ष है, वहां सबको पता ही है, उत्तर प्रदेश वालों को, तो उनको तो बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाहर से आने वालों के उपकार के लिए बोर्ड लगा सकते हैं, ये बात अलग। हाँ, तो भक्ति पीयूष पुष्टाहा, ये ध्यान में रखनी है बात। देखिए ये कौन कह रहे हैं? आचार्य वादिराज मुनि, जो धर्माचार्य भी थे, न्यायाचार्य भी थे, न्याय ग्रंथ के प्रणेता थे, ये महान विद्वान आचार्य थे और प्रथमान योग के भी रचयिता थे। इन्होंने पार्श्वनाथ चरित्र लिखा है, इन्होंने यशोधर चरित्र भी लिखा है। ऐसे विद्वान आचार्य कह रहे हैं कि स्तुति के वचन भगवान को छू नहीं सकते, लेकिन स्तुति के वचन भक्ति से भीगे हुए हो सकते हैं, और भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट ये वचन भव्य जीवों के लिए अभीष्ट फल प्रदान करने वाले पारिजात अर्थात कल्प तरु होते हैं। और जिनके वचनों में भक्ति नहीं है,
अध्यात्म है वह अध्यात्म अप्रासंगिक है। परमेष्ठी की आराधना के समय अध्यात्म अप्रासंगिक है। अध्यात्म का प्रसंग ध्यान है, ध्यानावस्था है। अध्यात्म भक्ति में नहीं होता। नहीं नहीं हाँ वो जहां भी देखो अध्यात्म जहां शुद्ध उपयोग होगा वहां अध्यात्म होगा। शुभोपयोग में कहां से अध्यात्म आ जाएगा। अब यहां पर अपन भक्ति की बात चल रही है तो भक्ति में अध्यात्म हो ही नहीं सकता। भक्ति में तो आराध्य का गुणगान होता है, परमेश्वर की स्तुतियां होती है, भक्ति होती है, पूजाएं होती है। तो इसलिए इस बात पर ध्यान देना है कि जब अपन पूजा कर रहे हैं, आप पुरानी पूजाएं देख लो ना, कहीं किसी पर पूजा में अध्यात्म है क्या? क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पूजा अध्यात्म का स्थान ही नहीं है। अध्यात्म का स्थान तो आत्मध्यान है। आत्मध्यान करते नहीं हो? किसने किसने किया आत्मध्यान बताइए जरा ईमानदारी से। हो ही नहीं पाता। वहां पर अध्यात्म है और कभी स्वाध्याय में भी अध्यात्म की चर्चा निकलती है, उसका भी निषेध नहीं है। लेकिन आप जब जिनेंद्र की आराधना कर रहे हैं, परमेष्ठी की भक्ति कर रहे हैं, वहां पर अध्यात्म अप्रासंगिक है। थोड़ा हम ओजस्वी वाणी में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बात अंदर खटकती है, क्योंकि पूर्वाचार्यों के जो कथन है उससे विपरीत जा रही है बात। इसलिए इसको हम ओजस्वी रीति से प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं भक्ति पीयूष पुष्टा स्तुति उद्गार, स्तुति के जो उद्गार है वो भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट है, न कि अध्यात्म से। तो इसलिए वे वचन भव्य जीवों के लिए कल्प तरु के समान अभीष्ट फलदायी बन जाते हैं। भक्ति का फल क्या बताया संबंध पत्र आचार्य महाराज ने, किसी को स्मरण में हो? भक्ते ही सुंदर रूपम, जिसने पिछले जन्म में भक्ति की होती है उसको इस जन्म में सुंदर रूप प्राप्त होता है। अब जिसने नहीं की वो दुनिया भर के उपक्रम करके न जाने कितनी ट्यूब खाली कर डालता है मेकअप में, और क्या क्या उपद्रव करता है, क्या क्या उपक्रम करता है, लेकिन नहीं हो पाता। सरल सा उपाय यह है कि इस जन्म में भक्ति कर लो तो आगामी जन्म में अपने आप सुंदर रूप प्राप्त होगा। लेकिन सुंदर बनने के लिए अगर भक्ति करोगे तो वो निदान नाम का आर्त ध्यान होगा, भावी सुख की कामना आर्त ध्यान है। तो उससे पुण्य का बंध नहीं होगा। आप दिल से भक्ति करेंगे अपने आप सब काम होते जाएंगे, और आप कुछ पाने के लिए भक्ति करेंगे तो फिर वहां पर शर्त आ जाएगी। यानी आप उस वस्तु के लिए भक्ति कर रहे हैं। कभी कभी संकट की घड़ी में वैसी भक्ति का भी वर्णन सम्यक दृष्टियों के जीवन में उल्लिखित है। जैसे एक दिन चर्चा आई थी सुलोचना सती का नाम सुना आपने? तो जब सुलोचना राजकुमारी अकंपन राजा की पुत्री थी, रानी सुभद्रा की बेटी थी, इस युग का इस अवसर्पणी काल का प्रथम स्वयंवर सुलोचना का हुआ था। और स्वयंवर के नियमों को राजा अकंपन ने घोषित करवाया था उस सभा में, स्वयंवर सभा में घोषित किया था कि स्वयंवर का अर्थ होता है कि कन्या स्वयं अपने योग्य वर का वरण करती है। वो वरमाला लेकर के जाती है
और जो वर उसको योग्य, वहां पर वर के कैंडिडेट्स बहुत सारे बैठे रहते हैं लाइन से, बहुत सारे प्रतिभागी लोग वहां पर रहते हैं, लेकिन कन्या जो उसके कंठ में वरमाला डालती है वही उसका निर्णय, अंतिम निर्णय होता है उसमें। फिर कोई आगे चलकर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन उस स्वयंवर में हस्तक्षेप हुआ, क्योंकि जब सुलोचना ने जय कुमार के कंठ में वरमाला डाली, जय कुमार कौन थे? भरत चक्रवर्ती के सेनापति, यानी चक्रवर्ती के 14 रत्न होते हैं, उन 14 रत्नों में 7 रत्न अचेतन होते हैं, जैसे चक्र रत्न है, दंड रत्न है, ये सब अचेतन होते हैं, और पट रानी, पुरोहित, सेनापति, ये जो 7 रत्न है ये चेतन रत्न है। तो जय कुमार चक्रवर्ती का चेतन रत्न था और सुभद्रा ने उनके कंठ में वरमाला डाल दी। सुलोचना ने, सुभद्रा तो सुलोचना की माता थी, तो सुभद्रा पुत्री ने उनके कंठ में वरमाला डाल दी। तो चक्रवर्ती के पुत्र के पास बैठा हुआ जो उनका मित्र था, उसने चक्रवर्ती के पुत्र के कान भर दिए अर्क कीर्ति के, कह रहे आप चक्रवर्ती के पुत्र हो और इस राजकुमारी ने किसी और के गले में वरमाला डाली, आपका घोर अपमान हुआ है इस सभा में, आप कैसे सहन कर सकते हैं ऐसे अपमान को? तो अब क्या होता है कि कभी कभी शब्दावली ऐसी होती है कि जिससे अच्छे लोगों का मन भी बिगड़ जाता है। जैसे इतर संप्रदाय में जो रामायण की कथा है, वहां पर मंथरा की शब्दावली ने कैकेयी के मन को विचलित कर दिया। तो यहां पर उसकी शब्दावली ने चक्रवर्ती के पुत्र को विचलित कर दिया, लेकिन चक्रवर्ती के पुत्र के साथ और भी कुछ विवेकी जन थे, उन्होंने कहा कि पहले ही घोषणा हो चुकी है कि कन्या जिस वर का वरण करेगी, स्वयं वर इस शब्द का ही अर्थ है कि वो कन्या स्वयं वरण करेगी, तो इसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन वो कान में बोलता है कि स्वाभिमान भी कोई चीज होती है, आप शटखंड के स्वामी के पुत्र हैं, और यदि आप इसका प्रतिकार नहीं करते तो आपके जीवन पर ये कलंक का दाग हमेशा के लिए लग जाएगा कि आप उस सभा से खाली हाथ लौटे थे जिस सभा में इस युग का प्रथम स्वयंवर हुआ था। तो ऐसे ऐसी शब्दावली होती है कि उससे अर्क कीर्ति कन्या का हरण करने को तत्पर हो जाता है। तो फिर अकंपन राजा ऐसे हाथ उठा करके बोलते हैं कि रुक जाइए, हम पहले ही घोषित कर चुके हैं स्वयंवर के नियम क्या होते हैं, अब ये उद्दंडता क्यों कर रहे हैं आप? हम आपका अनादर नहीं करते, हम पहचानते हैं आपको, आप कौन हैं, लेकिन आप भी अपनी मर्यादा को पहचानिए, आप इसको अपमान न समझें। और मेरी पुत्री ने कभी किसी का मुख भी नहीं देखा है, आज वो पहली बार आप सबको देख रही है, तो उसने जिसका वरण किया है वही उसका वर है। लेकिन जब चक्रवर्ती का पुत्र नहीं मानता तो अकंपन राजा संकेत करते हैं अपने सामंतों को कि राजकुमारी की रक्षा होनी चाहिए, इसका हरण कोई न कर सके, किसी कीमत पर न कर सके। तब जय कुमार अकंपन राजा के सामने आकर के विनय पूर्वक कहते हैं कि राजन, आप मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए, लेकिन चूंकि कन्या ने मेरे कंठ में वरमाला डाली है, इसलिए अब इसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझ पर है, आप निश्चिंत रहिए, मुझे केवल एक रथ चाहिए, केवल एक रथ, एक भी सैनिक नहीं चाहिए मुझे,
केवल एक रथ। तो राजा बोलते हैं कि चक्रवर्ती का पुत्र है, उसके पास कितना बल है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। और फिर रथ आ गया। तो जब तक विधिवत विवाह संस्कार संपन्न नहीं हुए थे, तब तक कन्या को उनके साथ विदा नहीं किया जा सकता था। वो पहले युद्ध करके विजयी होकर लौटते, तब शेष संस्कार आदि की विधि संपन्न होती थी। तो फिर जय कुमार ने सुलोचना से कहा कि हे सती, चिंता मत करो, मैं बस गया और आया। देखो वीरों के वचन, गया और आया। तुम जिनाले में रहो। तो वो सुलोचना जिनाले में चली जाती है, पीछे पीछे वो माँ भी चली जाती है, सुभद्रा। और सुलोचना जिनेंद्र भगवान से कहती है कि भगवान, जब तक मेरे स्वामी सुरक्षित नहीं लौट आते, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है, और मैं यहीं पर आपके समक्ष कायोत्सर्ग में खड़ी रहती हूँ। तो कायोत्सर्ग में खड़ी हुई और सुभद्रा माँ ने भी इन वचनों को सुना, और वो भी वहीं पर बाजू में बैठ गई और वो भी जप करने लग गई, और सुलोचना कायोत्सर्ग में खड़ी रही। अभी आजकल कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अब उन पर क्या टिप्पणी की जाए। ये आगम संदर्भ महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य द्वारा प्रणीत आपके समक्ष है। तो यदि उनके वचन आपके लिए आचार्य जिनसेन से बढ़कर हो तो अच्छी बात है, आप वैसा कर लो जैसा वो चाहते हैं। और यदि जिनसेन आचार्य के वचन प्रामाणिक हो तो निश्चिंत होकर खड़े खड़े कायोत्सर्ग करने में कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, अगर कहीं किसी ग्रंथ में अन्यत्र ऐसा उल्लेख मिल जाए तो अपन उस पर भी दृष्टिपात करके और विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन आगम आधार आवश्यक है। बिना आधार के किसी की व्यक्तिगत राय से जिन शासन की व्यवस्था को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आप आदि पुराण में देख लीजिए, आदिनाथ पुराण में सुलोचना खड़ी थी कि नहीं कायोत्सर्ग में, और फिर अपनी जबान चलाना कि महिलाओं को बैठकर ही कायोत्सर्ग करना चाहिए। एक उदाहरण है और भी उदाहरण है ना, हम बताएं क्या। और हरिवंश पुराण में श्री कृष्ण जी की जो छोटी बहन थी, उनको बलराम ने चिढ़ा दिया। क्या था, कंस ने उसका चेहरा विकृत कर दिया था उस बालिका का, लेकिन कन्या होने के कारण उसने वध नहीं किया था। वो एक मर्यादा थी कि ऋषि स्त्री बालक और दुर्बल का क्षत्रिय वध नहीं करते, ये नियम है क्षत्रियों का। ऋषियों का वध नहीं करते, बालकों का वध नहीं करते, स्त्रियों का वध नहीं करते और दुर्बलों का वध नहीं करते, उनको जीवन दान देते हैं। तो कंस ने वध तो नहीं किया था उस कन्या का, लेकिन उसका चेहरा विकृत कर दिया था। उसके नाक के अंदर की जो हड्डी थी उसको ऐसे दबा दिया था कंस ने, तो नाक चपटी हो गई थी, जीवन भर के लिए वो स्थिति बिगड़ गई थी चेहरे की। तो एक दिन बलराम ने उसको चिढ़ा दिया, तो उसको इतना बुरा लग गया। देखो ये बॉडी कॉन्शियसनेस बहनों में माताओं में थोड़ा ज्यादा होती है, तो
बुरा मान गई वो, और बुरा मान के उसने दीक्षा ले ली, तपस्या करने लगी। और तपस्या करते समय वो विंध्याचल पर्वत पर चली गई, और वहां पर एक दिन वो ऐसे कायोत्सर्ग में खड़ी हुई, प्रतिमा योग धारण करके खड़ी हुई, और तब किसी सिंह ने आकर के उस पर आक्रमण किया और उस उपसर्ग में प्राणांत हो गया। उस सिंह ने उसको खा लिया, आरिका माता जी को। तो वहां पर जो कुछ शरीर के अवशेष रह गए थे, कुछ उंगलियां वगैरह पड़ी थी वहां पर, वो शेर तो खाकर चला गया। तो वहां के जो वनवासी मनुष्य थे, उन्होंने देखा था कि कोई देवी जैसी आकृति यहाँ पर थी थोड़ी देर पहले, और अभी वो गायब हो गई है, और यहाँ पर ये सब रक्त भी पड़ा हुआ है, और फिर ये सब पड़ा हुआ है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देवी को बलि चाहिए। तो वहां पर उन वनवासियों ने बलियां चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और उन्होंने उसका नाम विंध्यवासिनी देवी रख दिया। वास्तविकता कुछ और थी, और कुछ और समझ करके कुछ और विधि शुरू हो गई। तो ये एक उदाहरण है, और है कि वो खड़े खड़े कायोत्सर्ग आर्यिका होकर के किए थे उसने, खड़े होकर के कायोत्सर्ग। अब तीसरा उदाहरण देने की आवश्यकता लगती है क्या आपको? अगर बहुत जरूरी हो तो तीसरा उदाहरण भी दे दें, लेकिन दो ही काफी हमारे ख्याल से। कि दो महान आचार्य, दोनों का नाम जिनसेन है, दोनों भिन्न भिन्न है। एक पुन्नाट संघ वाले जिनसेन आचार्य, और एक मूल संघ वाले जिनसेन आचार्य है, सेन संघ। मूल संघ की चार शाखाएं हैं, नंदी संघ, सेन संघ, सिंह संघ, और एक नाम और है, किसी के स्मरण में है? एक नाम और है, थोड़ा सा चूक रहे हम। पुन्नाट संघ, पुन्नाट। बहुत सुंदर ग्रंथों की रचना की है पुन्नाट संघ के आचार्यों ने। और अभी जो कुछ लोग कहते हैं ना कि पुन्नाट संघ से पंचामृत और महिलाकृत अभिषेक प्रारंभ हुआ, उनके वचन प्रामाणिक नहीं हो प्रमाणित होते हैं। क्योंकि जिनसेन आचार्य के आदिनाथ पुराण में ही कई कथन ऐसे मिल जाते हैं। आदिनाथ पुराण के सप्तम पर्व में आप देखिए, राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती दोनों ने जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का अभिषेक किया सातवें पर्व में। तो फिर ये कहना कैसे उचित हो सकता है कि महिलाकृत अभिषेक पुन्नाट संघ से प्रारंभ हुआ, जब मूल संघ के ग्रंथ में मिल रहा है? तो फिर पुन्नाट संघ से प्रारंभ हुआ, ये कैसे कह सकते हो? तो खैर वो विषय अलग हो जाएगा। अभी इतना है कि मैं कुमार जी का क्या हो? हम वो उदाहरण ये बताना चाह रहे थे कि जब वहां पर सुलोचना कायोत्सर्ग कर रही थी जिनालय में, तो उसके अंदर जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति थी। वो भक्ति उस समय निष्काम थी या सकाम थी? वो कामना सहित कायोत्सर्ग कर रही थी भगवान के सामने, भक्ति पूर्वक कर रही थी, तो उस समय उनके उसके अंदर कामना थी या निष्काम भाव था? कामना थी कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आते, तब तक मेरा अन्न जल का त्याग है और मैं कायोत्सर्ग में खड़ी रहूंगी, कितनी बड़ी बात है। हो सकता है एक दिन तक ना आए लौट करके, हो सकता है 2 दिन तक ना आए,
लेकिन संकल्प तो संकल्प है, सती का संकल्प है, तब तक खड़ी रहूंगी जब तक नहीं आ जाते मेरे स्वामी। और वास्तव में जय कुमार चक्रवर्ती के पुत्र को पराजित करके लौटा। तो भगवान से की हुई प्रार्थना निष्फल नहीं होती। स्वामी सुरक्षित लौट करके आ गए, विजयी होकर के लौट आए। ऐसी भक्ति भी कदाचित होती है, हर समय नहीं। सर्दी हो गई आप भगवान के पास चले गए कि भगवान मेरी सर्दी ठीक कर दो, क्योंकि अभी महाराज ने कहा था कि सकाम भक्ति होती है सम्यक दृष्टि में। वो कोई ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तब, सिर दुख रहा है तो भगवान के पास पहुंच गए, पेट दर्द हो रहा है तो भगवान के पास पहुंच गए, कोई पैसे वापस नहीं कर रहा है तो भगवान के पास पहुंच गए। ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं जाते भगवान के पास। जब कोई उपाय नहीं होता तब भगवान से प्रार्थना की जाती है। वचन आपके नहीं अन्य सम, आप अन्य सम हुए नहीं, स्तुति के सारे वचन हमारे नहीं आपको छुए कहीं, तो भी इच्छित फलदायक हुए, भव्य कल्प तरु बन जाते, सिंचित होकर भक्ति सुधा से, भुक्ति मुक्ति फल प्रगटाते। भुक्ति बराबर है, भगवान भुक्ति मुक्ति दाता है। आपने पढ़ा नहीं वो पूजा में, कौन सी पूजा में आता है ना? हाँ बोलिए पूरा दोहा क्या है। भुक्ति मुक्ति दातार 2400 दिन, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, दोनों बात है। हाँ भुक्ति का अर्थ है सांसारिक सुख और मुक्ति का अर्थ मोक्ष। जय नम जय तो शासन शास्त्र सूत्र पठन में मेरे द्वारा।